हेलो दोस्तों, मैं अजीत पोल और आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नए वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं अपने मोबाइल स्क्रीन को लैपटॉप या फिर पीसी में कैसे शेयर कर सकते हैं एक यूएसबी केबल के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक स्क्रीन मिररिंग सॉफ्टवेयर से कैसे आप मोबाइल स्क्रीन को लैपटॉप या फिर पीसी में स्क्रीनिंग करा सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको डेटा की ज़रूरत पड़ती है। जी दोस्तों, आपको स्क्रीन मिररिंग कराने के लिए कम से कम 100 से 200 केबी पर सेकंड की स्पीड की डेटा होनी चाहिए, तभी आप स्क्रीन मिररिंग करा पाएंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप सिर्फ एक यूएसबी केबल के माध्यम से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को लैपटॉप या फिर पीसी में स्क्रीन करा सकते हैं, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के यूज़ किए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दो ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मोबाइल को स्क्रीनिंग कराने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, यूएसबी केबल। जो आपके मोबाइल का यूएसबी केबल होगा उससे आप अपने पीसी से कनेक्ट करा दें अपने मोबाइल को। कनेक्ट कराने के बाद से आपको कुछ नहीं करना है, आपके मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आपको अबाउट फ़ोन खोज लेना है, अबाउट फ़ोन में चले जाना है। वहाँ पे आपको, अगर आपके पास एमआई का वर्ज़न है तो वहाँ पे बिल्ट वर्जन का नाम से आपको सेटिंग्स एक दिख जाएगा। अगर आपके पास से वीवो का फ़ोन है तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन आपको दिख जाएगा। सॉफ्टवेयर वर्जन पे तब तक क्लिक करना है जब तक नीचे में आपको नो नीड डेवलपर लिख के आ जाए। तो मेरा नो नीड लिख के आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी डेवलपर मोड ऑन कर रखा है। अगर आपके पास डेवलपर मोड ऑन नहीं है तो आप उस पर तब तक क्लिक करें जब तक नीचे में आपको डेवलपर मोड ऑन लिख के ना आ जाए। फिर आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद से आपको डेवलपर मोड का ऑप्शन खोज लेना है, सेटिंग्स खोज लेनी है। वहाँ पे जाने के बाद से आपको नीचे में आपको यूएसबी डबिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको ऑन कर लेना है। ऑन करते ही नोटिफिकेशन आएगा, इसको भी क्लिक कर देना है। उसके बाद से लोकल टर्मिनल को भी ऑन कर देना है। अब आ जाते हैं पीसी के स्क्रीन पे। दोस्तों, मोबाइल का यूएसबी डबिंग ऑन करने के बाद से आपको सिंपल सा पीसी पे जाना है। और पीसी में आपको मिररिंग कराने के लिए एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ी जो आपको 12 MB का आता है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप डायरेक्ट आकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको सिंपल से इसको डाउनलोड करना है, ये जीप फाइल में डाउनलोड होगा। डाउनलोड करने के बाद से इसका फाइल उसका ओपन कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोड हो गया जिप फाइल, कुछ ऐसा आपको जिप फाइल देखने को मिल जाएगा। इसको कर लेना एक्सट्रैक्ट, तो मैं इधर ही एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद से मिरर के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर दिख जाएगा, इसको करना है कट। और अपने सी ड्राइव में पे इसको ड्रैग कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद से जैसे ही आप स्क्रीन मिररिंग फोल्डर को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे में एक पैच फाइल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे मिरर के नाम से एक फाइल बना हुआ है। इस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद तुरंत आपका मोबाइल के स्क्रीन को वो लैपटॉप पे शेयर करना शुरू कर देगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, इसको आपको कट नहीं करना है, इस फाइल को आपको मिनिमाइज कर देना है। और यहाँ पर अगर आप वो मैं पबजी मोबाइल ऑन करके दिखा दूं तो ये कुछ इस तरह से आपका, यहाँ पे मेरे डिवाइस का नाम ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है और वीवो 1804 मॉडल नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है। इसको आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से अपने मोबाइल स्क्रीन को लैपटॉप में शेयर कर सकते हैं एक यूएसबी केबल के माध्यम से। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है और कोई इसमें एक भी रुपये आपका कॉस्ट नहीं लगने वाला। सिर्फ आपका यूएसबी केबल के माध्यम से आप अपने स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं और इसे साथ ही साथ OBS में भी इंपोर्ट करके इसे लाइव स्ट्रीम में भी यूज कर सकते हैं। इससे आपका एक फ़ायदा है कि आपका जो डेटा खर्च होता है स्क्रीन मिररिंग करने के लिए, वो डेटा आपका खर्च नहीं होगा, जिसके कारण आपका गेम प्ले काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस मोबाइल स्क्रीन को लैपटॉप या फिर पीसी में शेयर करने का यूएसबी केबल के माध्यम से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।